क्या आपको पता है कि बाबा गुरु गोरखनाथ की आंख फोड़ गई थी? क्या आपको पता है कि उनकी एक आंख को निकाल लिया गया था? अगर आप ये बात नहीं जानते हैं और अपने दुखों से परेशान हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं बाबा गोरखनाथ के जीवन की वो सच्चाई जिसमें उनकी आंख को निकाल लिया गया था, उनकी एक आंख को खराब कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। गुरु गोरखनाथ भगवान की जय, बाबा महाराज की जय, जय हो बागड़ वाले की सिद्ध बाबा महाराज की जय, धाम आहार की जय हो सिद्ध गुरु गोरखनाथ की जय। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जीवन चरित्र, बाबा के जीवन चरित्र की एक बहुत अनोखी घटना के बारे में कि आखिर क्यों बाबा की ऐसी क्या घटना हुई कि बाबा की आंख फोड़ दी गई या बाबा की आंख निकाल ली गई। किसकी इतनी ताकत थी जिसने मेरे महाराज की आंख को हाथ लगाया? कौन इतना शक्तिशाली पैदा हो गया, कौन इतना शक्तिशाली आ गया जिसने बाबा गोरखनाथ की एक आंख को निकाल लिया? तो अंत तक बंद जरूर रहिएगा, बहुत ही अच्छी कथा है, बहुत ही रोचक कथा है, बहुत ही प्रेरणादायक कथा है प्रभु की, बाबा गोरखनाथ की लीलाओं में से एक ये भी एक लीला है जरूर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात उस वक्त की है जब बाबा गोरखनाथ का जन्म हो चुका था और बाबा मच्छिंद्रनाथ गुरु, मच्छिंद्रनाथ जो थे बाबा के गुरुदेव, वो बाबा गोरखनाथ को लेकर जा चुके थे अपने साथ। बाबा बच्चे ही थे उस वक्त, बहुत ज़्यादा अपने युवा अवस्था में चल रहे थे अपनी, और एक गांव के बाहर बाबा ने डेरा डाला और गुरु गोरखनाथ और उनके सभी साथी बाबा गोरख मच्छिंद्रनाथ के साथ उस गांव के बाहर डेरे पर अपने धुना रमाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। तभी गुरु मच्छिंद्रनाथ ने सोचा कि चलिए आज अपने बच्चों की परीक्षा ली जाए, आज अपने जो जितने भी चेले हैं इनकी परीक्षा ली जाए, और सबसे ज़्यादा उनको यकीन था कि सबसे ज़्यादा परीक्षा ली जाए इस गोरखनाथ की जो अभी मेरे साथ जुड़ा है। तो चलिए बाबा कैसे गोरखनाथ बाबा महाराज की परीक्षा लेते हैं इस पंक्ति में सुनते रहिएगा, मगन निकल बाबा से अपना टच बना के रखिएगा, बाबा के दिल से बात है, दिल से सुनिएगा तो बाबा से कनेक्शन हो जाएगा, बाबा के साथ कनेक्शन फील होगा तो बाबा आपकी कृपा पूरी करेंगे। तो बाबा मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि भाई बच्चे लो, ऐसा है कि जो है मुझे तो जो भूख लगी है, कुछ दक्षिणा मांग के ले आओ, कुछ दक्षिणा मांग के ले आओ सभी जाके और कुछ देख लो। तो सभी चेले गांव में चले गए, बाबा गोरखनाथ भी उनमें थे, बाबा गोरखनाथ भी उस गांव में चले गए और गांव गांव में जाके भिक्षा मांगने लगे, भिक्षा नहीं मिली, कोई भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई भिक्षा देने के लिए राजी नहीं हुआ, मेरे गोरखनाथ की कैसी कृपा है। आहा, मेरे गोरखनाथ एक घर के पास पहुंचे, उन्होंने बोला भिक्षाम देही, उसमें से एक स्त्री निकल के आई, बोली क्या चाहिए? तो बोलते हैं बाबा मेरे महाराज को भूख लगी है, मेरे गुरुदेव को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भिक्षा दे दीजिए। वो स्त्री गई अंदर और अंदर उस स्त्री के यहाँ कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हुआ था, तो वो स्त्री गई और उस स्त्री ने बाबा को लाकर जो है हाथ में दही बल्ला दे दिया, फिर बोले ले लेके जा खिला दे अपने गुरु को। और मेरे महाराज देखिए, हम अगर आज हम जैसे ही बात करते हैं, हम छोटे बच्चे, अगर हम किसी बच्चे को कुछ दें तो वो पहले खुद खा जाता है बाद में किसी के लिए लेके जाएगा, पर बाबा तो गोरखनाथ थे, मेरे महाराज थे, उनको तो अपने गुरु जी की भूख मिटानी थी, तो वो दही बल्ले को लेके चले गए गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ जी के पास में। तो बाबा मच्छिंद्रनाथ ने देखा कि चेला कुछ लेके आया है, तो देखा कि क्या लाया है वो, तो बोले बाबा आपके लिए दही बल्ला लेके आए हैं। आहा, क्या सुंदर दृश्य था, एक छोटा बच्चा अपने गुरु के लिए दही बल्ला लेकर आया, खुद भी भूखा है पर फिर भी दही बल्ला लाया और लाके दे देता है कि लो गुरु जी दही बल्ला खा लीजिए। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ ने वो दही बल्ले खा लिए और खा के बोले कि हे बेटा गोरख, मुझे दही बल्ला बहुत पसंद है, मुझे ये दही बल्ला बहुत पसंद है गोरख, और तू मेरे लिए और लेके आ। गोरखनाथ जी बोले जो आज्ञा महाराज, और कहकर हाथ जोड़कर गुरु के अपने और वापस उस गांव में चल दिए, और चलते चलते उसी घर के पास पहुंच गए, उसी घर के गेट पर पहुंच गए, उसी घर के दरवाजे पर पहुंच गए जिस घर से वो दही बल्ला उनको मिला था। देखिए मेरे महाराज की कृपा, उन्होंने फिर आवाज लगाई भिक्षाम देही, वो स्त्री वापस आई और बोली कि तू फिर वापस आ गया, तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज
मेरे गुरु ने वो माता मेरे गुरु ने वो दही बल्ला खा लिया, पर उनकी इच्छा है और खाने की। तो वो स्त्री सोचने लगी कि ये झूठ बोल रहा है, ये खुद खा गया होगा और अब अपने गुरु से डर की वजह से वापस आ गया है मांगने के लिए। उस औरत ने ऐसा विचार किया, विचार करके बोली कि नहीं है, जा भाग जा। तो गुरु गोरखनाथ भी पक्के गुरु भक्त थे और पक्के गुरु भक्त थे और पक्के गुरु भक्त होने की वजह से उन्होंने बोला कि ना माता, मैं तो दही बल्ला लेके जाऊंगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे गुरु के लिए थोड़े से दही बल्ला दे दीजिए, मेरे गुरु को बहुत भूख लगी है, उन्हें ये बहुत पसंद आए हैं। तो वो स्त्री सोचने लगी, बोली ठीक है, अगर तू सच कह रहा है, अगर तेरे गुरु को दही बल्ला बहुत पसंद आया है, तेरे गुरु को दही बल्ला खाना है, तो तुझे एक मेरा काम करना होगा। बोले माता आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा माता आज्ञा दीजिए, तो उस स्त्री ने कहा ठीक है, मैं तुझे दही बल्ला दूंगी, पर उसके बदले में तुझे अपनी एक आंख मुझे देनी होगी। गुरु गोरखनाथ तो गुरु गोरखनाथ थे, संसार में किसी की शक्ति नहीं है कि बाबा गुरु गोरखनाथ की आंख को हाथ लगाता या उनकी आंख निकाल सकता। पर बाबा गुरु गोरखनाथ अपने गुरु की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने क्षण भर भी नहीं लगाया, उन्होंने पल भी नहीं लगाया और ये सोचने में किसने मेरी एक आंख मांग ली है। उन्होंने कहा माता बिल्कुल, मैं आपको अपनी एक आंख दे देता हूं, आप दही बल्ला ले आइए, मेरे गुरु के लिए दही बल्ला ले आइए, मैं आपको एक आंख दे देता हूं। कहेंगे तो मैं आपको दोनों आंखें दे दूंगा, पर मेरे गुरु के लिए दही बल्ला ले आइए। वो स्त्री हस्ती विंदा चलेगी, बोली पागल है ये। और स्त्री हस्ती उन्दर चली गई और ले गए दही बल्ला और वापस आई और बोली ले बेटा ले जा चल। पर जैसे ही उसने उस बाबा गुरु गोरखनाथ की तरफ देखा तो उसने क्या देखा, बाबा गोरखनाथ के एक हाथ में कटार है और दूसरा हाथ में उनके एक आंख की हुई है। मेरे महाराज ने अपनी एक आंख निकाल कर अपने हाथ में रख रखी थी। देखो उस गुरु की कृपा, देखो मेरे बाबा का विश्वास अपने गुरु के ऊपर, उस महाराज के ऊपर, कि मेरे महाराज अगर मैं अपनी आंख देकर भी उनकी भूख मिटा सका तो मैं मिटाऊंगा। और मेरे गुरु गोरखनाथ ने, मेरे बाबा महाराज ने अपनी आंख अपने हाथ से, अपने कटार के हाथ से निकाल के अपने हाथ पे रख ली और उस स्त्री की तरफ आगे बढ़ा दी कि ले स्त्री, ले माई ले तेरी आंख और मुझे दही बल्ला दे दे। बाबा की आंख से निकलता हुआ खून और बाबा के हाथ में रखी हुई आंख देख के वो स्त्री चिल्लाकर भाग गई और वहीं दही बल्ला उनके हाथ में छोड़ के चली गई। मेरे गुरु महाराज, मेरे बाबा महाराज एक हाथ में अपनी आंख और एक हाथ में दही बल्ला लेके गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास पहुंचे, बाबा मच्छिंद्रनाथ के पास पहुंचे। एक हाथ में आंख थी और एक हाथ में दही बल्ला और मेरे गुरु की एक आंख से यहां से रक्त बह रहा था और मेरे गुरु महाराज बिल्कुल भी शिकन ना रखते हुए अपने होठों पर मुस्कान के साथ बाबा मच्छिंद्रनाथ के सामने पहुंचे। बोले बाबा, बोले गुरु महाराज, लीजिए गुरु जी ये दही बल्ला खाइए। सारे चेले डर गए। गुरु ने जैसे ही गोरखनाथ की तरफ देखा, बोले बेटा, बेटा गोरख, ये कैसे हुआ? तो बाबा महाराज ने अपने गुरु को वो सारी कथा बता दी कि किस तरह उस औरत ने दही बल्लों के बदले उनकी आंख मांगी थी और उन्होंने फट से अपनी आंख निकाल के अपने हाथ में रख दिए। बोले कि लो माई ले लो, पर मेरे गुरु के लिए दही बल्ला दे दो। मच्छिंद्रनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले बेटा गोरख, तू अपनी कथा, तू अपनी परीक्षा में पास हुआ, मेरे बच्चे, मेरे चेले, तू अपनी परीक्षा में पास हुआ। जो शिष्य, जो चेला अपने गुरु पर इतना विश्वास रखे, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे नाम से ज़्यादा नाम तेरा होगा इस संसार में, नाथ संप्रदाय तेरे नाम से जाना जाएगा। और उसी दिन वो आँख उठाई बाबा मच्छिंद्रनाथ ने और गुरु गोरखनाथ जी के आँख वाली जगह पर लगा के मंत्र मार दिया और वो आँख ठीक होगी। मेरे गुरु महाराज की जय। बोलो बाबा मच्छिंद्रनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय। तो बाबा महाराज की आंख इस तरह से आंख गई थी और इसी तरह से आंख आई। दोस्तों, इसमें सीख क्या है? मेरे महाराज ने ये क्रिया क्यों की होगी, आपको क्या लगता है? ये क्रिया की थी मेरे महाराज ने ये बताने के लिए कि देखिए, संसार के इस कर्म पथ में, जीवन पथ में बहुत कठिनाइयां आती हैं, बहुत मुसीबतें आती हैं, तो हमें उससे हारना नहीं है। बहुत चुनौतियां आती हैं, हमें उन चुनौतियों से हारना नहीं है, हमें उन चुनौतियों को ऊपर जाके पार पाना है।
अगर आज हम और आप होते, गुरु तो बहुत बड़ी बात हो गई है, टीचर को तो हम आजकल कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो शिक्षा व्यवसाय बन चुका है, गुरु का तो कोई आदर बचा ही नहीं है। पर अगर हमारे माता पिता भी, हमारे पिता भी हमसे कहते ना, तो भी हम अपनी आंख, अरे बहुत बड़ी बात होगी आंख, हम अपने खून की एक बूंद ना दें। तो बाबा गोरखनाथ ने ये क्रिया करके, ये एक माया रचकर संसार को ये संदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी चुनौती में अपना धैर्य ना खोए, उस परम पिता पर विश्वास रखें, अपने गुरु पर विश्वास रखें, वो आपके साथ है, आपको कोई बुरा नहीं होने देगा, कोई अहित नहीं होने देगा। जो अगर आप इस तरह से अपने गुरु महाराज पर विश्वास रखते हैं, अपने बाबा पर विश्वास रखते हैं, अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानिएगा आपका कोई बहित नहीं हो सकता, कुछ अहित नहीं हो सकता, कोई बुरा नहीं हो सकता आपका। और जो छोटी मोटी मुसीबतें आती हैं, छोटा मोटा बुरा हो भी जाता है, तो इससे बिल्कुल भी मत घबराइए, अपने गुरु पर, अपने परम पिता पर, अपने परमात्मा पर विश्वास रखिए, वो आपके साथ है। बाबा की इस लीला का अर्थ यही है, इसी वजह से बाबा ने अपनी आंख तक निकाल दी ताकि ये संसार समझ सके कि किसी भी परिस्थिति में गुरु पर विश्वास रखिए, अपने ईष्ट पर विश्वास रखिए, अपने भगवान पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता पर विश्वास रखिए, वो कभी भी आपका अहित नहीं कर सकते, वो कभी भी आपको बुरा नहीं कर सकते, वो कभी भी आपका किसी भी कीमत पर आपके लिए गलत नहीं सोच सकते हैं। तो मित्रों, बाबा के भक्तों, मेरे जैसे सेवकों, बाबा की ये कथा है, इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, तो बाबा की कथाओं से इसी तरह शिक्षा लेते रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको किस बारे में बाबा के जानना है, ताकि हम वो वीडियो बना सकें। बाबा के महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी बच्चों पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ।